डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ विद प्रदीप में। हम लोग एनसीईआरटी पर क्लासेस कर रहे हैं और एनसीईआरटी में मैंने एनसीईआरटी मैथ की क्लास 6 पर चर्चा किया और वो एक्सरसाइज यानी उसके पूरे के पूरे एक्सरसाइज मैंने यूट्यूब पर सॉल्व कर दिया। अब जो विद्यार्थी कक्षा 6 में हो या ऐसे विद्यार्थी जो कंपटीशन की तैयारी करते हो और उनको बेसिक मैथ में परेशानी आ रही है तो वो उन सारे वीडियोस को देखे तो इससे उसका भला होगा। अब एक्सरसाइज ख़त्म होने के बाद बुक के सबसे आखिरी में दिमागी कसरत नाम से एक बात दी गई है, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसका नाम है दिमागी कसरत। ये दिया गया दिमागी कसरत, इसका क्या मतलब होता है? मेंटल एक्सरसाइज है ये, तो कुछ ऐसे सवाल है जो सोचने को विवश करते हैं। कुल मेरे ख्याल से 28 प्रश्न दिए गए हैं, तो इन 28 प्रश्नों के ऊपर भी एक बार चर्चा कर लिया जाए। सवाल बहुत अच्छे हैं और मैंने कई सारे विद्यार्थियों को इसको मैंने भेज भी रखा है और मेरे ख्याल से आप तक पहुंच भी गया होगा और वो क्वेश्चन यहाँ भी आ जाएगा। और अब हम लोग चर्चा करते हैं पहले प्रश्न पर। पहला सवाल है, आमों की एक टोकरी में से आमों को दो दो के समूह में गिनने पर एक बचता है। अगर दो दो आम एक साथ, पहला क्वेश्चन है, अगर दो दो आम एक साथ गिना जाए तो एक आम बचता है। तीन तीन के समूहों में गिनने पर दो बचता है, अगर तीन तीन का समूह बनाया जाए तो दो आम बाद में बच जाता है। चार चार के समूह गिनने पर तीन बचता है, अगर चार चार का समूह बनाया जाए तो फिर उसमें तीन बच जाएगा। पाँच पाँच के समूह बनाने पर चार बचता है, अगर पाँच पाँच का समूह बनाया जाए तो चार बचता है। छः छः का समूह बनाया जाए तो पाँच बचता है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन सात के समूह बनाकर गिनने पर कुछ भी शेष नहीं बचता, टोकरी में कम से कम कितने आम हैं? यानी अगर सात का समूह बनाया जाए तो कोई भी शेष नहीं बचता। इसका क्या मतलब हुआ कि हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जब इस संख्या से भाग देने पर एक बचे, इससे भाग देने पर ये शेष 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 बचे, लेकिन सात से कट जाए, सात से भाग देने पर शेष ना बचे, यही चाहिए। अगर आपको याद हो लघुत्तम चैप्टर, तो लघुत्तम में हमने इस तरह सवाल बताए होंगे और एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले क्या किया जाता है, इन संख्याओं का एलसीएम निकाला जाता है, 2, 3, 4, 5, 6, इसका आपको एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आएगा, कि मैं निकाल के दिखाऊं, 60 आ जाएगा, मैं मान लेता हूं। अब 60 जब आ जाए तो आप देख रहे होंगे इन दोनों, जैसे भाजक ये है और शेष ये है, तो इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो एक आ रहा है, देख लो कॉमन डिफरेंस एक आ रहा है, सबका कॉमन डिफरेंस एक आ रहा है। तो जो कॉमन डिफरेंस आता है उस कॉमन डिफरेंस को इस लघुत्तम में से घटा दिया जाता है तो पहली शर्त पूरी हो जाएगी, अर्थात अगर हम 60 माइनस 1 कर दें तो हमारे पास आएगा 59। यानी 59 एक ऐसी संख्या है जिसमें 2 से भाग दो तो 1 से बचेगा, 3 से भाग दो तो 2 से बचेगा, 4 से भाग दो तो 3 से बचेगा, 5 से भाग दो 4 से बचेगा, 6 से भाग दो तो 5 से बचेगा, भाग देकर चेक कर सकते हैं। परंतु अभी 59 हमारा उत्तर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 7 से 59 कट नहीं रहा। तो क्या करें, इसी 60 का टेबल जो हमारा लघुत्तम था इसी का टेबल हम करते जाएंगे, 60 का दुगुना, 60 का तिगुना, 60 का चार गुना करते जाएंगे, तब तक करते जाएंगे जब तक हमको 7 से कटने वाली संख्या ना मिल जाए। तो 60 का दुगुना करेंगे तो 120 आ जाएगा। अब इसमें से फिर एक घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 119। अब आप देख सकते हैं कि 119 जो है 7 से कट भी रहा, 17 7 119, तो इसका मतलब यही हमारा उत्तर हो गया। यानी 119 वह रिक्वायर्ड नंबर है, 119 आम रहे होंगे। इस 119 को आप एक से भाग दे, दो से भाग देकर देख लो, एक से बचेगा, तीन से भाग दोगे दो से बचेगा, चार से भाग दोगे तीन से बचेगा, पाँच से भाग दोगे चार से बचेगा, छः से भाग दोगे पाँच से बचेगा और सात से भाग दोगे तो शेष नहीं बचेगा। ये आपका पहला क्वेश्चन था, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक लड़के ने 3, 5, 12 तथा एक और संख्या का लघुत्तम निकालने के लिए कहा गया। देखो
क्या संख्या थी? 3 है, 5 है, 12 है और एक संख्या कोई और है, क्या है ये नहीं पता, कोई और संख्या है, निकालने के लिए कहा गया। लेकिन परिकलन करते समय उसने 12 के स्थान पर 21 लिख दिया, ये जो 12 है ना इसकी जगह उसने 21 लिख दिया, ऐसे 3, 5 और 21 कर दिया और यह संख्या थी, 21 लिख दिया और फिर भी उसका उत्तर निकल गया। तो चौथी संख्या क्या हो सकती, यानी इसके बारे में कल्पना करनी है कि इस x की जगह पे क्या रहा होता तो भी ठीक था, यानी इसका उत्तर और इसका उत्तर दोनों का समान आ जाएगा। तो देखो दोनों का समान उत्तर लाने के लिए सबके फैक्टर जानना जरूरी होगा, फैक्टर। तो अगर हम फैक्टर देखें तो 3 तो 3 ही है भाई, 3 का फैक्टर क्या हो सकता, 1 गुणा 3। 5 का फैक्टर क्या है, 1 गुणा 5, कोई मतलब नहीं। 12 का फैक्टर अगर आप देखें तो ये है 2 गुणा 2 गुणा 3, अब x के बारे में जानकारी ही नहीं है। 3, 5 हमारे पास हो ही चुका है, 21 का भी फैक्टर कर लेते हैं, तो 21 का भी फैक्टर कर ले तो हमारे पास 21 का हो जाएगा 3 गुणा 7, यानी इतनी चीज़ें कम से कम है। तो क्योंकि इससे भी उत्तर आ रहा है, इससे भी उत्तर आ रहा है, तो इसका मतलब होता है कि हमारे पास ये जो चौथी संख्या होगी उस संख्या के अंदर कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए ये हम लोग देख देते हैं। तो चलो सबसे पहले देखते हैं, 3 है यहाँ पर तो 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, काम खत्म। 5 यहाँ दिख रहा है तो 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी, यहाँ तक भी बात खत्म। अब जरा देखो इसमें, देखो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, देखो इस 12 में भी 3 है और इसमें भी है ना, 3 चौके 12, 3 सत 21, तो 3 दोनों जगह। अब ये जो दो संख्याएं यहाँ बच रही हैं और ये बच रही है, ये दोनों कहीं दिख नहीं रही है, ना तो मुझे यहाँ कहीं दिख रही है, कहीं दिख नहीं रही, मतलब इसमें दिख रही है 12 के अंदर 4 है, इसके अंदर नहीं है, और इसके अंदर 7 है, इसके अंदर नहीं दिख रही। इसका मतलब इस जगह पे ऐसी कोई संख्या होनी चाहिए जो इन दोनों संख्याओं को समझ के रखी है। तो आप दिख रहे हो ये है क्या, 2 दूना 4 ये है और 7 ये है, यानी 4 गुणा 7 बराबर 28, यानी अगर इस जगह एक्स की जगह पे हम 28 लिख दें, देखो 28 लिख दें, तो अब क्या फ़ायदा मिल जाएगा कि चाहे आप इसको हल करेंगे और चाहे इसको हल करेंगे दोनों का समान उत्तर प्राप्त होगा, करके देख लीजिएगा। हम लोगों ने चौथी संख्या के बारे में समझ लिया कि वहाँ 28 होना चाहिए, 28 कहाँ से आया, ये जो दो फैक्टर यहाँ बचे हुए थे और ये 7 बचा हुआ था जो यहाँ पर उपलब्ध नहीं था, तो इनके बराबर संख्या मैंने यहाँ पर ले लिया। अब हम निकाल कर देखते हैं कि 3, 5, 12 और 28 पहले वाले का हम लघुत्तम निकालते हैं। तो अगर हम इसको लघुत्तम निकालें किससे काटेंगे, 3 से काटते हैं पहले, और 3 चौके 12 और 28 नहीं कटा, आप जानते हो कि 28 4 के परिवार में आता है, कट गया। अब हमारे पास बचा कितना, 5 गुणा 28 गुणा 3, यानी 3 पचे 15 गुणा 28, 15 गुणा 28 हमारा उत्तर आ गया, 15 8 120, 12 15 2 30 और 12 42, 420 आंसर आया। अब हम इनका उत्तर निकाल कर देखेंगे, इसका उत्तर भी वही आना चाहिए, उत्तर में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं आनी चाहिए। चलो देखते हैं, 3, 5, 21, 28, तो इसको जब हम 3 से काटेंगे तो एक बार में कटा या नहीं कटा, 3 सत 21 और 28 नहीं कटा। अब आप देखो 7 के परिवार में 28 आता है तो 7 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, अब 3 पचे 15 और गुणा 28, 15 गुणा 28 करेंगे तो फिर वही आंसर 420 आ जाएगा जो यहाँ आया था। तो आप देख सकते हैं कि अगर चौथी जगह पे 28 लिख दिया जाए तब कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब चौथी संख्या हमारी क्या होनी चाहिए, 28 होनी चाहिए। बहुत अच्छे सवाल है, कक्षा 6 के लिए तो बेहतरीन मान लो आप कि उनको इससे ज़्यादा कठिन सवाल नहीं लगवाया जा सकता। कम से कम जब इस मतलब आप अगर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तब आप इस सवाल को देखेंगे तो थोड़ी देर के लिए अटकेंगे, और कक्षा 6 के बच्चों के लिए कितना मुश्किल काम होगा ये। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कपड़े के 5 टुकड़ों की लंबाइयां 15 मीटर 21 मीटर 36 मीटर 42 मीटर और 48 मीटर है। अब कहा जा रहा है एक मापने की छड़ी से वे सभी पूर्ण इकाई के रूप में मापी जा सकती हैं, तो छड़ी की अधिकतम लंबाई क्या हो सकती है,
यानी ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या आप देख रहे हो जिससे ये सारी संख्याएं कट जाएंगी, इसका मतलब हमको इनका निकालना पड़ेगा HCF महत्तम। अगर आप देख पाएँ तो मुझे महत्तम तो दिखने लगा, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन निकाल कर देख लेते हैं। पहले किसी दो संख्या को ले लेते हैं, 15 को ले लें और 21 को लेते हैं, 3 दिख रहा है उत्तर, फिलहाल लगा के दिखा दें। 21 में 15 से भाग देंगे कितना आ गया, 6। अब इससे 15 में भाग दीजिए, अब इस 3 से 6 में भाग दीजिए, कट गया, यानी इन दोनों का महत्तम 6-3 आ चुका है। अब उस 3 से देखो ये कट रहा, हाँ कट रहा, इस 3 से देखो ये कट रहा, हाँ कट रहा, इस 3 से देखो ये कट रहा, हाँ कट रहा, इसका मतलब हुआ कि हमारा HCF क्या आ गया, 3। तो आप बहुत साफ साफ कह सकते हैं अगर 3 मीटर लंबाई की हम कोई छड़ी ले लें तो इससे सभी प्रकार के कपड़े को पूर्ण संख्या में मापा जा सकता है। बहुत ज़बरदस्त सवाल देखने के बाद अगर आपके पास तुरंत भाव बन जाए कि हाँ ऐसे होगा तो समझिए आप बहुत अच्छा लगा रहे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में, आप देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन दिया गया है, 3 पात्र हैं, उसमें एक पूरा 10 लीटर का है दूध आता है और वह पूरा भरा हुआ है, बाकी दोनों पात्रों क्रमशः 7 लीटर और 3 लीटर दूध आता है। पात्रों में कोई मापक चिन्ह नहीं है, एक ग्राहक को 5 लीटर दूध देना है, दूध मांगा, अब आप उसे दूध कैसे देंगे और उसे आंखों द्वारा अनुमान पर भरोसा नहीं, होना भी नहीं चाहिए, अंदाजे से कैसे हो पाएगा। यानी इनके पास 10 लीटर का एक बर्तन है, 7 लीटर का एक बर्तन है और 3 लीटर का एक बर्तन है ना, 3 बर्तन, और ये पूरा भरा है और हमको देना कितना है, 5 लीटर, 5 लीटर किसी को देना है। बताओ इन सब बर्तनों का इस्तेमाल करके हम 5 लीटर दूध कैसे दे सकते हैं, समझा जा, आसान होगा समझना, कोई कठिन काम तो नहीं है। अब सोचिए कि अगर हम इसको पहले इस 10 लीटर में से, हाँ एक और ज़रूरी बात है कि कम से कम एक बड़ा बर्तन आपके पास होना चाहिए, एक बड़ा बर्तन जिसमें खाली वाली करने के काम आता है, ठीक है, ऐसा कर लेंगे तो आपको फ़ायदा मिल जाएगा। तो देखिए वो क्या करेगा कि पहले खाली वाले पात्र में, जो खाली वाला पात्र बचा हुआ है बना हुआ, इसके अंदर खाली पड़ा हुआ, अब इस 3 लीटर से क्या करेगा, 3 लीटर से इसमें से नाप नाप करके 3 बार निकालेगा, यानी 1 बार 2 बार 3 बार, देखो इस 3 लीटर से देखो 1 बार फिर 2 बार फिर 3 बार, हर बार 3-3 लीटर निकाल देगा। अब इसके अंदर आ गया 9 लीटर, इसके पास कितना बचा है, 1 लीटर ना, 9 लीटर निकल गया, 10 लीटर में से 9 लीटर निकल गया। अब इनके पास बचा है कितना, 1 लीटर बचा हुआ बस, ये पूरा इनकी 10 क्षमता है लेकिन इनके पास बचा कितना है, 1 लीटर, क्योंकि 3 बार में इस 3 लीटर से 3 बार में इसके अंदर भर दिया, अब 9 लीटर यहाँ पे। अब क्या करेगा, जो 7 लीटर का बर्तन है इसमें से भरेगा और 7 लीटर इसमें से निकाल कर यहाँ डाल देगा, मैं एरो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसमें से 7 लीटर निकाल करके और इसके अंदर डाल देगा। अब बताओ इस डिब्बे के अंदर कितना हो गया, इस डिब्बे के अंदर इस समय 8 लीटर हो चुका कि नहीं हो चुका, और ये दोनों बर्तन हमारे पास अभी भी हैं। अब इस अगर 8 लीटर में से इस 3 लीटर में से इसको निकाल दिया जाए, 3 लीटर वाले डब्बे से 3 लीटर निकाल दिया जाए, कहीं डाल दिया जाए, तो बताओ इस 8 में से अगर 3 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 5 लीटर। एक बार फिर से दोहरा दें, मैंने कहा कि 10 लीटर का डब्बा ये है, 7 लीटर का ये है, 3 लीटर का ये है, और एक खाली डब्बा रखा हुआ है जिसके अंदर में भरने उरने काम आएगा। तो क्या करें, सबसे पहले इस 10 लीटर, ये पूरा भरा हुआ है, इसमें से इस 3 लीटर वाले डिब्बे से 1 बार 2 बार और 3 बार, यानी 3 बार आप इसको निकाल के इसके अंदर डाल दीजिए, तो 3 से आप 3 बार निकालोगे तो 9 लीटर इसके अंदर आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 1 लीटर। अब क्या करना है कि 7 लीटर वाला डब्बा उठाइए और इसमें से 7 लीटर भरिए, क्योंकि यहाँ तो 9 लीटर हो चुका है, इसमें 7 लीटर उठाइए और इसके अंदर डाल दीजिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8 लीटर। अब क्या करना है, 8 लीटर में से इस 3 लीटर वाले बर्तन से 3 लीटर डब्बा से आप 3 लीटर इसमें दूध निकालिए और उसके अंदर डाल दीजिए, बचाओ यहाँ क्या बचेगा, अगर 8 लीटर था उसमें 3 लीटर निकल जाएगा तो 5 लीटर मिल जाएगा, बहुत बेहतरीन है, हाँ मज़ेदार है, लगाएंगे तो दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
पांचवा क्वेश्चन दिया गया है कि 27 में कौन सी दो अंक वाली संख्याएं जोड़ी जाएं कि उसके संख्यांक बदल जाए। देखो ये 27 संख्यांक बदलने की बात कर रहा। देखो संख्यांक बदलने का दो तरीका होता है। एक तरीका तो ये है कि 27 है तो ये 72 हो जाए। तो 27 में क्या जोड़ने की 72 हो जाए, ये तो बहुत आसान है। देखो 72 में से अगर हम 27 घटा दें तो मिल जाएगा 12 में से 7 घटाए 5, 6 में से 2 गए 4, यानी अगर इस संख्या में हम 45 जोड़ दें तो ये हमारा 72 हो जाएगा, तो ये हमारा उत्तर 45 आ जाए। लेकिन ये इतना आसान सवाल नहीं है, नहीं, उसके कहने का अर्थ ही कुछ अलग है। वो कह रहा है कि जैसे 27 है तो वो चाहता है कि ये संख्या बड़ी हो जाए, ये संख्या छोटी हो जाए। जैसे ये अभी अभी हमारे पास दहाई छोटा है और इकाई बड़ा है, तो वो चाहता है कि ऐसा बदले कि ये संख्या पलट जाए, यानी इधर बड़ी संख्या आ जाए इधर छोटी संख्या आ जाए। तो आप जानते हैं कि एक तरीका हो सकता है कि हम इसमें जैसे अगर एक जोड़े तो बड़ा ही होगा, दो जोड़े बड़ा ही होगा, तीन जोड़ेंगे तो जीरो हो जाएगा, जीरो चाहिए नहीं, लिखा नहीं कहीं पर, लेकिन जीरो का कोई उल्लेख नहीं है। तो कम से कम इसमें अगर हम चार जोड़ते हैं सात में, तब जाकर के ये संख्या बदल सकती है। जैसे अगर इसमें हम इस जगह पर चार जोड़े तो यहाँ भी कुछ लिखना पड़ेगा, जीरो का इस्तेमाल अगर हम ना करें तो हम पहली बार इसमें 14 जोड़े यानी कि तीन तक नहीं जोड़ सकते। एक जोड़ेंगे तो बड़ा ही होगा, दो जोड़ेंगे बड़ा ही होगा, और जीरो का हमें तीन जोड़ देंगे तो जीरो बन जाएगा, जीरो हमें चाहिए नहीं। तो कम से कम चार जोड़ेंगे यानी 4, 5, 6, 7, 8 हम इधर जोड़ सकते हैं ना, जिससे जुड़ेगा जब तो इसमें इधर छोटी संख्या हो जाएगी इधर बड़ी संख्या हो जाएगी। जैसे मैं 14 जोड़ के दिखाऊं तो देखो 7 और 4, 11, 1, 2, 1, 3, 1, 4, अब देखो संख्यांक बदल गया, दहाई बड़ा इकाई छोटा। ऐसे ही 14 हमने 4 यहाँ जोड़ा था, अब 5 अगर हम यहाँ जोड़ें तो 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 5 यहाँ करेंगे तो 2 यहाँ कर देंगे, जैसे एक दिया ना, धीरे धीरे हम बढ़ाते जाएंगे। तो ये 27 है तो इसमें क्या करेंगे, अब की बार 7 में 4 जोड़ चुके हैं, अब 5 जोड़ना है तो क्या जोड़ेंगे, 25 जोड़ दीजिए। अब देखिए क्या हो रहा, 5 और 7, 12, असल में 1 आया, 2, 2, 4, 1, 5, देखो संख्यांक बदल गया, इधर बड़ी संख्या इधर छोटी संख्या आ गई। अब 5 हम जोड़ चुके हैं, अब 6 जोड़ना चाहिए तो 6 जोड़ेंगे तो क्या जोड़ेंगे, 27 है, अब की बार यहाँ 6 जोड़ना है और ये संख्या भी बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 36। अगर हम 36 जोड़ते हैं तो 7, 6, 13, हासिल में 1 आया, 3, 2, 5, 1, 6, देखो 63 आ गया। अब इधर बड़ी संख्या इधर छोटी संख्या, 6 जोड़ चुका हूँ, अब 7 जोड़ना चाहिए, चलो 27 में अब यहाँ पे हम 7 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 47, बढ़ते जा रही संख्या। देखो 7 और 7, 14, हासिल में 1, 4, 2, 6, 1, 7, 74। आप देख रहे हो इधर बड़ी संख्या इधर छोटी संख्या, और जोड़ो क्या सोच सकते हो, 8 जोड़ सकते हो, हाँ जोड़ सकते हैं, 8 जोड़ो, 28 में अगर हम 8 जोड़े तो ये हो जाएगा 58 जोड़ेंगे तो 8, 8, 16, हासिल में 1 आया, 5, 2, 7, 1, 8, देख रहे हैं आप, 8 जोड़ चुके, अब 9 जोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 69, चलो सॉरी 27 है भाई, 8, 7, 15 होगा, ये देखो 8, 7, 15, 1 और 5, 2, 7, 1, 8। अब जोड़ो 9 जोड़ के देखते हैं क्या होगा, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 और यहाँ पे 9, 9, 7, 16, हासिल में 1, देखो सॉरी क्यों बार बार, हाँ तो 9, 7, 16, हासिल में 1, 6, 2, 8, 1, 9, 96 आ जाएगा। अब और आगे नहीं जा सकते क्योंकि हमने यहाँ पे ध्यान से समझिए हम क्या कर रहे हैं, 7 में 4 जोड़े तब 1 बन गया, देखो 7 में 1 जोड़े नहीं काम चलेगा, 2 जोड़े नहीं काम चलेगा, 3 जोड़े नहीं काम चलेगा, 0 बन जाएगा। अब हम कम से कम 4 जोड़ सकते हैं तो इसमें हम 4 जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे, और इस तरह से इतनी सारी संख्याएं हमारे पास मिल गई जिनको जोड़ने पर इनके संख्यांक बदल जाएंगे, यानी इधर दहाई अंक बड़ा हो जाएगा और इकाई अंक छोटा हो जाएगा। तो बेहतरीन सवाल, अगर केवल ऐसे पलटना होता तब ये बहुत आसान था, बहुत छोटा सा सवाल हो जाता, लेकिन इसको यह कहना था कि इसका दहाई अंक बड़ा और इकाई अंक छोटा हो जाए तो बेहतर है। कैसा रहा सवाल, जबरदस्त है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठवां लिखा है सवाल कि सीमेंट का गारा बनाया जा रहा है, गारा जिसमें आयतन के हिसाब से सीमेंट और रेत का अनुपात 1:6 है, आयतन की 42 इकाई में के गारे में कितना सीमेंट और मिलाया जाए कि नया अनुपात 2:9 हो जाए। देखो ये हमारा है छठवां सवाल,
कुल 42 लीटर, 42 केजी है मान लीजिए, 42 इकाई लिखा हुआ, हम केजी क्यों कहें, 42 इकाई बनाए, और इसमें सीमेंट कितना है और ये है बालू है, सीमेंट और रेत, रेत लिखा है, तो ये 1:6 है। क्या हम इस 42 को 1:6 में बांट सकते हैं, इनकी क्वांटिटी पता चल जाए? बिल्कुल बांट सकते हैं। बांटने का तरीका हमने आपको बता रखा है, देखो इसको जोड़ा जाता है 6 × 1 = 7, 7 × 6 = 42, 6 आया हमारा फैक्टर, तो 6 × 1 = 6 और 6 × 6 = 36, यानी यह पता चल गया कि 6 इकाई सीमेंट इसमें है और 36 इकाई रेत इसमें है। ये अभी है, सवाल ये कह रहा है कि इसमें कितना सीमेंट और मिला दें कि अनुपात 2:9 हो जाए, यानी अब हम इसको ऐसे 6 और 36 ऊपर नीचे लिख देंगे। देखो 1/6 दिख रहा है ना, मान लेता हूँ सीमेंट में मैं एक्स इकाई मिला रहा हूँ और तब ये अनुपात बन जाएगा 2/9। बस अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी कि कितना सीमेंट मिला जाए तो यह अनुपात 2:9 बन जाएगा। तो चलिए गुणा करते हैं, 9×6 = 54 प्लस 9x बराबर 36×72। अब बताओ ये 54 उधर जाएगा तो 9x बराबर क्या हो जाएगा, ये 54 72 में से घटेगा, चलो घटाते हैं, 12 में से 4 घटाए 8 और यहाँ बचेगा 6 में से 5 घटाए 1, तो x बराबर क्या आ गया, 9×2 = 18 यानी 2 इकाई। अगर आप उसमें 2 इकाई सीमेंट और मिला दें ना, ये 6 इकाई था ना, 2 इकाई सीमेंट और मिला दीजिए तो ये 8 इकाई बन जाएगा, और 8 इकाई और 36 इकाई। अब देख लो उत्तर हमारा यहाँ मिल जाएगा, ये हो जाएगा 6 में, जब 2 इकाई आप मिला दोगे तो 8 इकाई हो जाएगा, और ये 36 तो 36 रहेगा, इसे जब आप छोटा करेंगे तो 4 से छोटा हो रहा, 4×2 = 8, 4×9 = 36, यानी आपको 2:9 का रिक्वायरमेंट रेशियो मिल गया। तो मज़ेदार है ना, लगाया जाए धीरे धीरे करके सारे सवालों को, 6 हो चुका है। सातवां देखते हैं क्या, साधारण नमक के पानी के साथ मिश्रण में नमक और पानी का भार के अनुसार 30:70 है। चलो इस तरह के 1 किलोग्राम मिश्रण में यदि 100 ग्राम पानी भाप बनकर उड़ा दिया जाए तो भार के अनुसार नमक और पानी के अनुपात क्या हो जाएगा। देखो 1 किलोग्राम मिश्रण है, 1 किलोग्राम आप समझते हो, 1 किलोग्राम मतलब क्या होता है, 1000 ग्राम होता है। अब कह रहे हैं कि इसमें नमक जो है और ये पानी, ये 30:70 के रेशियो में है। अगर 30:70 के रेशियो में इसको 1000 को बांटा जाए तो 70 और 30 100 होता है, 100 × 1000, तो 10 से इसमें गुणा करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 300 ग्राम नमक है और 700 ग्राम पानी, यानी अभी है ये। अब सवाल है कि 100 ग्राम पानी भाप बनकर उड़ गया तो पानी तो यही है, 700 ग्राम था, और ये 100 ग्राम पानी इसमें भाप बनकर उड़ जाएगा, ये नमक तो ना उड़ेगा, ये तो 300 ही रहेगा है? और इसमें जब 100 ग्राम पानी उड़ जाएगा तो ये बचेगा कितना, 600। बताओ नया रेशियो क्या आ गया, 00 हम काट सकते हैं, 3 से और छोटा कर सकते हैं, ये आ जाएगा 1:2, ये हमारा उत्तर। समझ पाए पूरी बात, मैंने क्या किया, 1000 ग्राम को 30:70 में पहले बांट दिया तो 300 ग्राम 700 ग्राम आ गया। अब कह रहे हैं कि 100 ग्राम पानी भाप बनकर उड़ गया, तो भाप बनकर जब उड़ेगा तो ये कितना बचेगा, 600 बचेगा, लेकिन नमक तो ना उड़ेगा भाप बन करके, तो 300-600 का अनुपात आ जाएगा 1:2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आठवां सवाल है कि मधुमक्खियों के एक झुंड का आधा भाग सरसों के खेत में शहद इकट्ठा करने गया, शेष का 3/4 गुलाब के बाग में चला गया, शेष बची हुई 10 अभी तक निर्णय नहीं ले पाई, तो झुंड में कुल कितनी मधुमक्खियां थी। देखो हम इसको सामान्य तौर पर यक्ष मानकर सवाल लगा लेते हैं, और आपको एक लघुत्तम का तरीका भी बताया है अगर आपको याद हो तो पहले हम यक्ष मानकर लगाते हैं। देखो सातवां सवाल है, आठवां है ये, मान लेते हैं, माना कुल मधुमक्खी यक्ष है, तो अगर कुल मधुमक्खी यक्ष है तो आधा भाग सरसों खेत में चली गई, कितनी गई होगी, यक्ष बटा दो सरसों के खेत में गई,
और फिर कह रहा है शेष का 3/4 गुलाब के बाग में, शेष शेष बचा कितना, x में से अगर आप x बटा 2 घटा दें तो आ जाएगा x बटा 2, यही शेष भाग है। और इसका 3/4 कहाँ गई, गुलाब के खेत में गई, तो इसको आप अगर काटेंगे तो क्या बन जाएगा, 3x/8, 3x/8 गुलाब के खेत में चली गई। अब ये भी गई है और ये भी गई, ये दोनों चली गई, तो अब अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो ये पता चल जाएगा कुल कितना गई, और x हमारे पास टोटल है। देखो तो हम ऐसे कर सकते हैं, x जो टोटल में से इनको घटा देंगे ऐसे, x/2 और प्लस 3x/8, और तब इनको अगर घटा दिए तो हमारे पास क्या बचेंगे, 10 मधुमक्खियाँ बच जाएंगी। तो चलिए इनको जोड़ा जाए, लघुत्तम 8, 2 × 4 = 8, 4x और प्लस 3x यानी 7x/8, यानी अब हमारे पास हो गया x माइनस 7x/8 बराबर 10, तो 8x माइनस 7x तो x हो जाएगा, x/8 बराबर 10 तो x बराबर क्या हो जाएगा, 80, यानी हमारे पास कुल 80 मधुमक्खियाँ थी। ये हुआ x मान करके, x मान करके थोड़ा सा कठिन होता है, अगर हम लघुत्तम मान लें तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए, और देखते हैं कैसे ये मानना हमारे लिए आसान हो जाएगा। इसको मैं मिटा दूं, लघुत्तम मान के जब लगाएंगे तो थोड़ा सा आसान लगेगा आपको, x ना माना जाए यहाँ पर। देखो क्या माना जाए, पहले क्या करें, 1/2 का इस्तेमाल हुआ और 1/2 के 3/4 का इस्तेमाल हुआ, ये दो भिन्न का इस्तेमाल हुआ है, इसका हर 2 है, इसका हर 8 है, तो हम मान लेते हैं कि कुल मधुमक्खी हमारे पास 8x रही हो, 2 और 8 का लघुत्तम 8x, मैं मान लेता हूँ कुल मधुमक्खी हमारे पास 8x रही होगी। अब इसका फायदा क्या है, देखो कह रहा आधी मधुमक्खियाँ चली गई खेत में, तो आधी मतलब 8x का आधा कितना होता है, 4x, तो 4x चली गई सरसों के खेत में, सरसों के खेत में चली गई। अब कह रहा जो शेष बची है, शेष क्या बची है, 4x, 4x का 3/4 फूल के बाग में चली गई, तो इससे आप इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 3x, 3x चली गई गुलाब के खेत में। अब बताओ 4x सरसों खेत में गई, 3x गुलाब के खेत में गई, तो 4×3 = 7x तो चली गई, हमारे पास थी 8x, तो 8x में से 7x चली गई तो हमारे पास बची x, बची x, और वो कह रहे हैं 10 बची, तो x बराबर कितना हो गया, 10, अगर x बराबर 10 हो गया तो 8x बराबर कितना हो जाएगा, 80। इस तरह से अगर आप लगाते हैं तो थोड़ा आसान हो जाएगा उसकी अपेक्षा, तो हम दिमागी कसरत के सारे सवाल करवा देंगे एक तरफ से। आप देखते रहिए, एंजॉय करिए, लगाते रहिए। थैंक यू।